अस्सलाम वालेकुम जी क्लास, जो हमारा टॉपिक था मूवमेंट इन प्लांट, आपने उसमें देखा था कि दो बेसिक मूवमेंट्स होती हैं प्लांट्स में, एक ऑटोनॉमिक मूवमेंट कहलाती है और दूसरी जो है वो पैराटोनिक मूवमेंट्स कहलाती हैं। ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स जो हैं वो कौन सी होती हैं, जो कि इंटरनल कॉज की वजह से प्लांट में हो रही होती हैं, और पैराटोनिक होती हैं जो एक्सटर्नल कॉजेज़ की वजह से होती हैं। अब हमने कल जो चार्ट पढ़ा था, अगर आपको वो चार्ट जो है याद है, ठीक है, तो इसके अब हम आगे ये देखते हैं कि ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स जो हैं ये कौन सी होती हैं। ऑटोनॉमिक मूवमेंट जो है हमने देखा था तीन तरह की होती हैं, टैक्टिक मूवमेंट्स, टर्गर मूवमेंट्स और ग्रोथ मूवमेंट्स। ठीक हो गई बात। टैक्टिक मूवमेंट्स, दीज मूवमेंट्स आर ऑफ द इंटायर सेल और ऑर्गेनिज्म की जो लोकेशन है वो चेंज होती है ड्यू टू इंटरनल स्टिमुलस। यानी पूरा कोई एक सेल प्लांट का या उसका एक पूरा ऑर्गन जो है वो जब मूव करता है इंटरनल स्टिमुलस की वजह से, तो वो मूवमेंट्स जो हैं ये टैक्टिक मूवमेंट्स कहलाती हैं। टैक्टिक मूवमेंट्स नेगेटिव भी हो सकती हैं और पॉजिटिव भी हो सकती हैं। पॉजिटिव ये तब होती हैं इफ़ इट इज़ टूवर्ड्स द स्टिमुलस, जहाँ से उनको ये स्टिमुलस मिली है अगर वो उस स्टिमुलस की तरफ हैं तो वो पॉजिटिव कहलाएंगी, और नेगेटिव होती हैं इफ़ दे आर अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, जहाँ से उनको इंटरनल स्टिमुलस मिली है उससे दूर जाएंगी, उसके अवे हो जाएंगी, तो वो नेगेटिव टैक्टिक मूवमेंट्स कहलाएंगी। टैक्टिक मूवमेंट जो है फर्दर जो है वो क्लासिफाइड होती हैं फोटोटैक्टिक मूवमेंट और कीमोटैक्टिक मूवमेंट में। फोटोटैक्टिक मूवमेंट जैसे नाम से ही जाहिर है कि फोटोटैक्टिक मूवमेंट जो होती हैं इट इज़ द मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट के स्टिमुलस से होती हैं। अगर ये टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट हों तो पॉजिटिव होंगी, अगर अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट हों तो नेगेटिव होंगी। इसकी एग्जांपल जो है वो पैसिव मूवमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट ड्यू टू साइक्लोसिस। दिस मूवमेंट्स हेल्प द क्लोरोप्लास्ट टू एब्जॉर्ब मैक्सिमम लाइट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। द लाइट इंटेंसिटी एंड डायरेक्शन बोथ इफेक्ट द इंट्रासेलुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट एक सेल है, एक पार्ट है सेल का, एक पूरा अपने अंदर एक ऑर्गन है सेल का, तो ये क्लोरोप्लास्ट जो है उस तरफ को मूव करते हैं जहाँ पर इनको ज़्यादा लाइट की इंटेंसिटी, प्रॉपर लाइट की इंटेंसिटी मिलती है। तो इस तरह पूरे एक पार्ट का, पूरे एक सेल का मूव करना जो है वो टैक्टिक मूवमेंट में आता है, और टैक्टिक में ये फोटोटैक्टिक मूवमेंट होती है। यानी क्लोरोप्लास्ट वहाँ पर सारे के सारे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, पहुँच जाते हैं जहाँ उन्हें लाइट मिलती है। दूसरा एग्जाम्पल इसकी है कीमोटैक्टिक मूवमेंट। कीमोटैक्टिक मूवमेंट जैसे नाम से ही जाहिर है कि किसी केमिकल के स्टिमुलस ऑफ केमिकल के नतीजे में ये मूवमेंट होती है। इसकी एग्जांपल ये है कि स्पर्म्स ऑफ लिवरवर्ट, मॉसेस, फर्न्स टुवर्ड्स मूव टुवर्ड्स आर्चिगोनिया इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस ऑफ न्यूक्लिक एसिड रिलीज बाय द ओवम। अब फर्टिलाइजेशन में, प्लांट्स की फर्टिलाइजेशन में जो स्पर्म्स हैं उन्होंने आर्चिगोनिया फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में की तरफ जाना होता है। अब स्पर्म भी एक पूरा सेल है, एक पूरा ऑर्गन है, ये जब मूव करता है, और ये किस वजह से मूव करता है कि न्यूक्लिक एसिड्स का से एक केमिकल स्टिमुलस इनको मिलता है ओवम से, और ये उस स्टिमुलस को आइडेंटिफाई करके फिर जिस तरफ से वो स्टिमुलस आ रहा होता है उसकी तरफ चले जाते हैं। यानी पूरा एक सेल और ऑर्गन जब मूव करता है प्लांट का तो वो टैक्टिक मूवमेंट्स में आते हैं, उसमें फोटोटैक्टिक और कीमोटैक्टिक मूवमेंट्स आ जाती हैं। फिर आगे आ जाती हैं टर्गर मूवमेंट्स। टर्गर आपको पता है टर्जिडिटी प्लांट्स में कैसे होती है, ड्यू टू गेन एंड लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, अगर वो गेन करेगा वाटर तो वो टर्जिड हो जाएगा, लूज करेगा तो वो विल्ट हो जाएगा। टर्गर मूवमेंट्स जो होती हैं ये इनकी दो टाइप्स हैं आगे, स्लीप मूवमेंट्स हैं और रैपिड मूवमेंट्स ऑफ द लीफलेट्स हैं। स्लीप मूवमेंट्स जो होती हैं ये जैसे नाम से ही जाहिर है सो जाना। कई आपने देखा है कि प्लांट्स के जो पत्ते हैं वो रात को नीचे की तरफ झुक जाते हैं, ऐसे लगता है जैसे वो सो गए हैं, और फिर दिन में वो फिर इरेक्ट होके खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं स्लीप मूवमेंट्स। इस तरह की मूवमेंट्स स्लीप मूवमेंट्स कहलाती हैं, और इसमें
होता क्या है, दी स्लीप मूवमेंट्स आर ड्यू टू डेली चेंजेस इन द डर्गर प्रेशर इन द पल्विनस. पल्विनस वो पॉइंट होता है प्लेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ लीफ विद द शूट, और ये यहाँ पे पेरेन्काइमेटियस सेल्स होते हैं. व्हेन द टर्गर प्रेशर ऑन द लोअर साइड ऑफ द पल्विनस इंक्रीजेस द लीव राइजेस एंड बिकम हॉरिजोंटल, एंड व्हेन द टर्गर प्रेशर डिक्रीजेस ऑन द लोअर साइड ऑफ द पल्विनस द लीव ऑफ द लोअर एंड दे गो बैक इन द स्लीपिंग पोजिशन. यानी पल्विनस वो पॉइंट है जहाँ में अगर टर्गर प्रेशर में कोई चेंज होगा, तो अगर वो टर्गर कम होगा वहाँ पर तो वो स्लीपिंग मोड में चले जाएंगे, नीचे को झुक जाएंगे, और अगर टर्गर प्रेशर ज़्यादा होगा तो वो इरेक्ट होकर खड़े हो जाएंगे. दूसरी इसकी जो टाइप है वो है रैपिड मूवमेंट ऑफ द लीफलेट्स. आपको पता है एक प्लांट होता है जिसे हम चुई मुई या टच मी नॉट का प्लांट कहते हैं, जैसे ही आप उसे टच करें तो एकदम से वो प्लांट और उसके पेटल्स श्रिंक कर जाते हैं. उसकी रीज़न क्या होती है कि वो क्यों श्रिंक फोल्ड क्यों कर जाते हैं. दिस रिस्पॉन्स टेक सेकेंड और टू रिजल्टिंग फ्रॉम रैपिड लॉस ऑफ टर्गर बाय द सेल्स इन द पल्विनस एट द बेस ऑफ ईच लीफलेट. हर लीफलेट की बेस पे जो पल्विनस वाला पॉइंट है वहाँ पे एकदम से टर्गर प्रेशर गिर जाता है आपके टच करने के नतीजे में. और इसकी साइंटिफिक जो रीज़न है वो ये होती है कि जो पोटेशियम आयंस जो है ये सेल के अंदर मूव करते हैं, जिसकी वजह से वो सेल में से वाटर को एक्सऑस्मोसिस के ज़रिए बाहर निकाल देते हैं. और वो जब वाटर बाहर निकल जाता है तो जाहिर है वो फोल्ड हो जाएंगे, श्रिंक कर जाएंगे. तो इसे हम कहते हैं कि वो उसने टच के नतीजे में जो है टर्गर प्रेशर में चेंज आ गया और उसकी वजह से वो पूरा जो प्लांट है वो एकदम से फोल्ड हो गया. फिर तीसरी तरह की जो ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स थी उसमें आती हैं ग्रोथ मूवमेंट्स. ग्रोथ मूवमेंट्स आर ड्यू टू अनइक्वल ग्रोथ ऑन द टू साइड ऑफ द प्लांट ऑर्गन्स, जैसे स्टेम, रूट, टेंड्रिल्स, बड्स वगैरह हैं, तो दोनों तरफ प्लांट के वो एक इक्वल नहीं होते, अनइक्वल इनकी ग्रोथ होती है. ये टेक्टिक ग्रोथ मूवमेंट्स की तीन टाइप्स होती हैं, एपिनास्टी, हाइपोनास्टी और न्यूटेशन. एपिनास्टी, एपी मीन्स अपर, इट इज़ शोन बाय द लीव्स एंड पेटल. इसमें क्या होता है कि जो अपर पार्ट होता है लीव का ठीक है, अपर सरफेस ऑफ द लीव इन द बड कंडीशन, बड कंडीशन में जो लीव का अपर सरफेस होता है वहाँ ज़्यादा ग्रोथ होती है और लोअर सरफेस पे कम होती है. जाहिर है बड एक पेयर की शेप का होता है, इस तरह जब ऊपर ज़्यादा ग्रोथ होगी तो वो ऊपर से फिर वो बड ओपन हो जाएगा और नीचे ग्रोथ कम हो रही है, ये एपिनास्टी है. यानी ज़्यादा ग्रोथ, जो अनइक्वल ग्रोथ की बात हुई थी ना, तो ज़्यादा ग्रोथ ऊपर की साइड पे होने के नतीजे में वो बड ऊपर बड की ओपनिंग हो जाएगी. हाइपोनास्टी में क्या होता है कि बड में ज़्यादा ग्रोथ नीचे होती है और ऊपर जो है वो कम होती है, इसलिए वो ऊपर से बंद रहता है और नीचे से वो स्वेल करता जाता है. तो ये जो है अनइक्वल ग्रोथ की वजह से वो बड जो है वो क्लोज रहेगा ठीक है. तीसरी टाइप इसमें थी न्यूटेशन. The growing tip of the young stem moves in a zigzag fashion due to the alternate change in growth on the opposite side of the apex. अब apex है उसके ऊपर आपको पता है growth cells होते हैं, तो उसने shoot ने ऐसे सीधा ऊपर जाना होता है, मगर इसमें क्या होता है कि वो zigzag fashion में अलग directions में growth की में चला जाता है और उसकी जो growth है वो unequal हो जाती है. तो ये तीसरी type है growth movement की जिसे हम mutation कहते हैं. अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं पैराटोनिक मूवमेंट्स में, यानी प्लांट्स की जो दूसरी टाइप की मूवमेंट्स होती हैं. ये सारी मूवमेंट जो ऑटोनॉमिक थी ये इंटरनल कॉजेज की वजह थी इससे थी. अब ये जो पैराटोनिक मूवमेंट्स होती हैं ये एक्सटर्नल कॉजेज की वजह से होती हैं, इनको स्टिमुलस आउटसाइड द बॉडी मिलता है. इसमें दो तरह की हमारे पास जो है बेसिकली मूवमेंट्स होती हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट्स और नास्टिक मूवमेंट्स. ट्रॉपिक मूवमेंट्स, वर्ड ट्रॉपस ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है टर्न. इट इज़ अ मूवमेंट इन कर्वेचर ऑफ द होल ऑर्गन टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस. यानी कि एक पहले हमने जो पढ़ा था उसमें हमने ये देखा था कि पूरा ऑर्गन मूव करता है, मगर इसमें यह होता है कि वो ऑर्गन जो है एक कर्व में टूवर्ड्स या अवे फ्रॉम ऑफ द स्टिमुलस मूव कर जाता है.
इसकी पांच आगे इसकी टाइप्स हैं, वो स्टिमुलस एक्सटर्नल स्टिमुलस के ऊपर डिपेंड करते हुए। फोटोट्रोपिज्म अगर एक्सटर्नल स्टिमुलस लाइट की वजह से है, थिग्मोट्रोपिज्म अगर टच की वजह से है, कीमोट्रोपिज्म अगर वो किसी केमिकल की वजह से है, हाइड्रोट्रोपिज्म अगर वो वाटर की वजह से है, और जियोट्रोपिज्म अगर वो ग्रेविटी की वजह से है। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ जो है ये ट्रॉपिक मूवमेंट्स आती हैं। इसमें लाइट की वजह से होगा तो वो लाइट की तरफ प्लांट बेंड कर जाएगा, अगर वो टच की तरफ से होगा जैसे क्लाइंबिंग वाइंस वगैरह, ये जो बेले वगैरह चढ़ती हैं प्लांट्स पे और दीवारों पे, तो आप देखें जहाँ इनको सॉलिड सरफेस मिलता है, जहाँ इनको ये एहसास होता है कि अब हम मज़ीद इस पे आगे नहीं चढ़ सकते, हमारे रूट इसके अंदर नहीं जा सकते, तो वहाँ से वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती हैं, क्योंकि उनको ऐसा टच मिला है कि वो वहाँ पर ग्रो नहीं कर सकती। इसी तरह केमिकल की वजह से भी होता है और जो है ग्रेविटी की वजह से भी होता है। ग्रेविटी में रूट्स जो हैं वो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म शो करते हैं और शूट्स नेगेटिव। पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म रूट्स क्यों शो करते हैं, क्योंकि वो ग्रेविटी की तरफ ग्रो कर रहे हैं, और शूट क्योंकि उसके दूसरी तरफ ग्रो कर रहा है तो वो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म करता है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं नास्टिक मूवमेंट्स। दीज आर नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ द प्लांट इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। ये दो तरह की होती हैं, निक्स्टीनास्टी और हेप्टोनास्टिक। निक्स्टीनास्टी मूवमेंट्स क्या होती हैं, दे आर शोन बाय द ऑर्गन्स इन रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई लीडिंग टू डिफरेंशियल ग्रोथ। दीज आर ड्यू टू टर्गर एंड ग्रोथ चेंजेस। अब इसमें भी दो हैं, फोटोनास्टिक है, नास्टी है और थर्मोनास्टी है। प्रिंसिपल ऑफ स्टिमुलस अगर लाइट होगा तो वो फोटोनास्टी होगा, क्योंकि जैसे फोटो पीरियड इसकी एग्जांपल है। फोटो पीरियड में आपको पता है क्या होता है कि कुछ लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं, कुछ शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे फ्लावर तब देते हैं जब उनको ज़्यादा सनलाइट मिलती है, कुछ तब देते हैं जब उनको कम सनलाइट जो है वो मिल रही होती है तब वो देते हैं। ठीक हो गई बात। और अगर वो टेम्परेचर की वजह से है तो उसमें ट्यूलिप की एग्जांपल है, ट्यूलिप जो है वो रात के वक्त जो है वो बंद हो जाता है, क्योंकि जब टेम्परेचर जो है वो गिर जाता है तो वो क्लोज हो जाता है। हेप्टोनास्टिक मूवमेंट जो होती हैं इन रिस्पॉन्स टू कॉन्टैक्ट, इसकी एग्जांपल है वेनस फ्लाई ट्रैप। जैसे वेनस फ्लाई ट्रैप वाला जो प्लांट होता है उसके लीफ खुले रहते हैं, जैसे ही कोई उसमें फ्लाई आती है तो वो बंद हो जाते हैं, यानी उन्हें टच की स्टिमुलस से मिली है तो उन्होंने मूव कर लिया, उसमें उसको डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती। अब उसके बाद सिर्फ और सिर्फ जो हैं वो प्लांट्स जो हैं ये इन मूवमेंट्स जो हैं स्टिमुलस के बेस पे ही सिर्फ शो नहीं कर रहे होते, जबकि प्लांट्स जो होते हैं इनके मूवमेंट्स में हार्मोन्स का भी बहुत अमल दखल होता है। प्लांट्स में मेजर जो हार्मोन है वो ऑक्सिन्स होते हैं। ऑक्सिन्स जो हैं इनका काम, इनके ये मुख्तलिफ सारे फंक्शंस हैं। ऑक्सिन्स रिस्पॉन्सिबल हैं पॉजिटिव ग्रेवियोट्रोपिज्म के लिए और नेगेटिव ग्रेवियोट्रोपिज्म के लिए। रूट सेल की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं ऑक्सिन, और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सिन इन डोल एसिटिक एसिड जो वो अनइक्वल इनलार्जमेंट कॉज कर देती है। उसके अलावा ऑक्सिन्स का काम जो है वो ये है कि वो ग्रोथ ऑफ स्टेम को कंट्रोल करते हैं। उसके अलावा दो और हमारे पास हैं, एक गिबरेलिन्स हैं और एक एबिसिन्स हैं। एबिसिन्स इनहिबिटर होते हैं ग्रोथ के, और गिबरेलिन्स जो होते हैं ये स्टिमुलेटर्स होते हैं। यानी प्लांट की जो मूवमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं है कि वो ग्रो किस तरह से करेंगे, वो उनकी जो मूवमेंट है वो इस ये भी उसमें ये चीज़ भी शामिल होती है कि वो की ग्रोथ जो है वो हार्मोन्स जो हैं वो किस तरह उनको हेल्प आउट करेंगे। मेरा आई होप के क्लास आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं ग्रुप में, और ये जितना भी अब हम पढ़ेंगे ईद से पहले पहले ये सारा आपका प्री सेंडअप वन में इंक्लूडेड होगा। और अगर प्लीज़ इसके जो MCQs टास्क आपका वो ये MCQs और नोट्स बनाएं साथ साथ, उन्हें साथ साथ तैयार करें। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, और अब जो है वो प्लीज़ ज़रा अटेंटिव हो जाएं, रेगुलर हो जाएं पढ़ाई में और अपने टेस्ट की अपेयरेंस में। और विश यू गुड लक, टेक गुड केयर, अल्लाह हाफिज़।